ये सेकंड पार्ट रहेगा एसपी टैट जो अभी नवंबर मंथ में हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। पार्ट वन में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सीरीज सी को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 91 से लेकर 120 तक जो मैथ पार्ट है, जिसमें हमने 91 से लेकर 105 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप पूरा लिख लें। और उसके आगे 105 से लेकर 120 तक, 106 से लेकर 120 तक इस वीडियो में पूरा हम मैथ कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा कि शंकु का आयतन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, 1/3 πr² h जो शंकु का वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 107, धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए और बी के संबंध में कौन सी सर्व समीका लागू नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 107 का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करती हैं। इसमें हम सर्च और इंडिसेस की कंडीशन देखेंगे तो वो सेटिस्फाई होती हैं, बट ऑप्शन डी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। रियल नंबर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही नंबर इंक्लूड रहते हैं, बट इस क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 108, सरल कीजिए 7^5 / 7^1/3। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है। 7^5 / 7^1/3। सर्च और इंडिसेस टॉपिक जिसे हम हिंदी में घातांक और करनी बोलते हैं, अगर बेस सेम रहते हैं, अगर डिवाइड फॉर्म है तो पावर्स को हम माइनस करके लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जिसमें बोला गया था कि a^m / a^n, इसकी वैल्यू क्या होगी, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं a^m - n, ये इसका राइट आंसर है। तो सेम ही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगी। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 7^1 - 1/5 - 1/3 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी 7^-2/15। हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद हमें ये वैल्यू बनेगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ये आंसर दिया गया है। -1 × -2/5 ये क्वेश्चन है। बोला गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम वैल्यू उल्टी कर देते हैं, तो -1 × -5/2। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको हम बोलेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 5/2। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए अगर इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री हो। इसमें आपको एक रेगुलर पॉलीगन दी है, इसमें ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री बताया गया है। तो आपने बताना है कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगन, कि इस पॉलीगन में, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं आपने बतानी है। पूरा क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, साइड में आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ऑप्शन आपको दिए हैं 24, 20, 16 और 12। पॉलीगन कि जब हम बात करते हैं, बहुभुज की बात करते हैं, तो बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 होता है, चाहे कोई भी फिगर हो, चाहे पंचभुज हो, छठभुज हो, त्रिभुज हो, या फिर जिसमें 7 भुजाएं हो, 8 भुजाएं हो, कोई भी हो। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसमें रहता है कि प्रत्येक इंटरनल एंगल्स प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दो फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक एंगल हमें गिवन दिया है, इंटीरियर एंगल हमें यहां पर गिवन दिया गया है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 165 डिग्री प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से हम जो बाहरी एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, उसको हम निकाल सकते हैं। 180 में से 165 हमने माइनस किए तो हमें कितना मिला, यहाँ पर 15 डिग्री। और बाहरी कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो वहां से हम जो है वो साइड फाइंड कर सकते हैं।
इस तरीके से 360/15 कि बाहरी कोणों का योग 360 होता है, उसमें जो बाहरी एक एंगल 15 डिग्री है तो डिवाइड करेंगे तो अपने आप भुजा निकल के यहाँ से आ जाती है। तो डिवाइड करके देख लें, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 24, और 24 ऑप्शन ए है, तो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, इसमें आपको फिगर दी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फिगर बनी है इस तरीके की, जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, और हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वादसम। ठीक है, तो ये जो एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल रहते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी गई है, पहले नाम दे लें, नाम दिए हैं ए बी सी और डी, अंदर एंगल भी मेंशन किए गए हैं। इसे एक को वाई बोला गया है, एक को एक्स बोला गया है, और एक को जेड बोला गया है, जेड बार की तरफ, बार की तरफ हमने एंगल फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, और एक एंगल हमें इंटीरियर में 50 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल प्लस इसके सामने वाला एंगल जो वो इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, तो ये जो अंदर का एंगल होगा ये भी 50 होगा। और आप जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर रैखिक युग्म मिलेगा इस तरीके का। रैखिक युग्म में जो भी एंगल रहते हैं उन कसम 180 के इक्वल रहता है। अगर अंदर का एंगल 50 है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल कसम 180 के इक्वल होता है, आप उस कंडीशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक अंदर का एंगल 50 है तो बाहर का एंगल कितना होगा, ये होगा 130। ठीक है, और देखो यहाँ पर 50 और 50 इक्वल होके कितना बन गया, 60 बन गया, और पैरेललोग्राम के जो भी इंटरनल एंगल्स रहते हैं उन कसम 360 होता है अंदर के एंगल्स का। उसमें से हमने 100 निकाल दिया, 100 निकाल के कितना बचा लेफ्ट, 260 बचा, तो इन दोनों में हाफ ऑफ करेंगे क्योंकि ये भी अपोजिट ही है, इनमें भी बराबर वैल्यू होगी, तो ये भी एक 130 का बनेगा और ये भी 130 का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, आपको इंटरनल एंगल्स कसम 360 मिलेगा, और जो अपोजिट एंगल की कंडीशन है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, इसमें एक्स वाई जेड तीनों के कोणों की वैल्यू 130 रहेगी। पाइथागोरस की बात करते हैं, 112, जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं उसमें कंडीशन होती है कि आपकी जो त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी एंगल अलग होते हैं। ये सामने वाली भुजा जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसकी वैल्यू सामने वाली जो भुजाएं हैं ठीक है इनके स्क्वेयर को इक्वल रहती है। पाइथागोरस में बोलते हैं हम कि एच का स्क्वेयर इक्वल टू पी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, यही बोलते हैं, ये कंडीशन इसमें रहती है। जब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करते हैं तो इसमें कुछ बेसिक चलता है, आप इस फॉर्मूले से सारी ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2m हम बोलते हैं इसको पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं, 2m, m² -1 एंड m² +1। ठीक है, तो वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे आपको एक संख्या दी है मीन्स कि 2m = 6 दी है, यहाँ पे आप m की वैल्यू फाइंड कर लें तो m की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी, जब आप डिवाइड करेंगे 6 को 2 के साथ इस तरीके से 3 वैल्यू निकली, और बाकी वैल्यू आप वहां पे पुट कर दें m² -1 में वैल्यू पुट कर दें तो क्या बनेगी, 3² - 1 8 और m² +1, तो कितनी बनेगी 3² + 1, तो ये बनता है 10। ठीक है, तो ट्रिपलेट में तीन संख्याएं कौन सी बनी, 6, 8 और 10, इसका मतलब ये हुआ कि 10² = 6² + 8 का स्क्वेयर, ये पाइथागोरस की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा 6, 8, 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, बोला गया है कि 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 72% होता कितना है 25 का, 72% होता कितना है 25 का। ठीक है, जब हमें इतना पता चल जाएगा तो हम बाकी आराम से बता सकते हैं, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो कटता है उसको आप काट दें, 25 से आप 100 को काट सकते हैं तो यहाँ पे 4 बनेगा, और 4 से आप 72 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर
18 बनेगा, ठीक है, 18 फोर 72, तो 18, 25 में से जो 18 स्टूडेंट्स हैं जिन जिनका विज्ञान अच्छा है, जिनकी साइंस अच्छी है, तो 25 में से बाकी कितने बचे? 25 में से आप 18 माइनस कर दो, तो जो लेफ्ट बचेंगे जिनका साइंस जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, जो साइंस सब्जेक्ट है वो उनका ठीक नहीं है, तो 25 में से 18 चले गए, तो कितना बचता है? 7 बचता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 7 जो हमें दिया गया है। नेक्स्ट 1014, सॉरी 114, टर्म दी गई है आपने, इसके गुणनखंड निकालने हैं, 12x² -7x -1। साइड में आप स्क्रीन में दे सकते हैं, पूरा पूरे ऑप्शन आपको साथ में दिए गए हैं। तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पर हम 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं कि हम इस तरीके से बीच वाले को ब्रेक करते हैं कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे इसमें बनेगा 12, तो 7 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले, ठीक है। तो किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको, 12x² माइनस, अब देखो 7 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे एडिशन में, ठीक है, एडिशन में देखो जो साइन आगे लगा होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे -4x -3x -1। देखो 7 को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, जब 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 बना, ठीक है, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस करके कितना बन जाएगा, ये 7x बन जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक करेंगे और आपको आंसर, आप खुद इसको सॉल्व करना, आंसर आपको मिलेगा 4x -1, सॉरी +1, 3x +1, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 115, क्वेश्चन में बोला गया कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेलेगी, 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारने जाने की प्रवणता कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें 6 गेंदों में एक महिला जो है 4 मारती है, बाकी जो गेंदे बचती हैं, या फिर किस तरीके से हम इसका आंसर बताएंगे कि जिन गेंदों के ऊपर उसने चौका नहीं मारा है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उसकी प्रायिकता कितनी है। तो किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको रैंडम्स में स्पेस पता होना चाहिए कि टोटल कितने गेंद्स हैं, ठीक है, टोटल गेंद इसमें 30, टोटल गेंद्स हैं इसमें 30, जिसमें 4 कितने में मारता है, वो 4 6 गेंदों में मारता है, तो बाकी कितनी गेंद जब 6 नहीं मारता है, बाकी कितनी बची, 30 में से 6 चले गए, कितनी बचती हैं, 24, 24 गेंदें लेफ्ट बचती हैं जिनके ऊपर वो 4 नहीं लगाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कैसे निकालते हैं कि टोटल जो रैंडम स्पेस था वो 30 है और 6 गेंदे हम निकाल देंगे जिसमें वो चौका मारता है, बाकी बचती हैं 24 जिनके ऊपर वो चौका नहीं मारता है, तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा। ये कट भी जाते हैं बट ऑप्शन में आपको इस तरीके की वैल्यू दी है 24/30, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, एक लंबवृत्त शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, साथ में इंग्लिश में भी लिखा गया, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, जिसमें आपको रेडियस भी दिया है, साथ में जो स्लांट हाइट है वो यहाँ पर गिवन दी है। तो फिगर किस तरीके की बनती है, इस तरीके की फिगर बनती है इस क्वेश्चन में, स्लांट हाइट आपको गिवन दी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस भी आपको यहाँ पर गिवन दिया है 7 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। कर्व सरफेस एरिया अगर आपको पता होगा यहाँ पर शंकु का, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, सर्कुलर कोण दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया सर्कुलर कोण का पाई आर एल होता है, वैल्यू पुट कर दें, बाकी आपको ऑलरेडी गिवन दी हुई है वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 10, इसमें से ये कट गया, आंसर बन गया 220 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया हमेशा स्क्वेयर में निकलता है और वॉल्यूम क्यूब में निकलता है।
तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 117, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर दायरता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? मींस कि एक जो गिलास है उसमें 25 मिलीलीटर जब दही आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर दही दिया गया है, आपने कितने गिलासों में उसको भरना है वो आपने बताना है। ऑप्शन भी आपको साथ में दिए हैं, 170, 180, 190 एंड 200। तो इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे, हमें जो बर्तन दिया गया है, ठीक है, सॉरी जो दही दिया गया है कितना है वो 4 लीटर है, साथ में 500 मिलीलीटर है, ठीक है। तो लीटर को भी हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। 1 लीटर में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो वैसे 4 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 मिलीलीटर यहां से बन जाएगा, प्लस 500 यहां पे है, ठीक है। टोटल मिलाकर 4500 मिलीलीटर बन गया। और एक गिलास में, एक गिलास में 25 मिलीलीटर जो दही आता है, तो आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एक गिलास में 25 मिलीलीटर आता है तो बाकी गिलासों में कितना आएगा, ठीक है। तो 4500 को आप डिवाइड कर दें, अपने आप ग्लास निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 4500 को आप 25 से डिवाइड कर दें, अपने आप यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि बनेगी 180। तो 180 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। कौन से कथन में वैल्यू राइट है, ठीक है, बिच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कि जब हम सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर लेते हैं तो उनकी वैल्यू इवन बनती है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119, दो से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, इनमें से कौन सी भिन्न अभाज्य संख्याएं प्रदर्शित करेगी? कि 2 से लेकर 11 तक आपने प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, एक से शुरू होते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और 2 से 11 तक कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, 11 होंगे, क्योंकि इसमें एक इंक्लूड नहीं है। टोटल जो नेचुरल नंबर 11 हैं, अब देखो इनके बीच जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उसके साथ इनकी फ्रैक्शन बनानी है, तो हम इस तरीके से इनको लिखते हैं, हमें इजी हो जाएगा फाइंड करना। दो से 12 के बीच में ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और इनमें कितनी प्राइम संख्याएं हैं, कितने अभाज्य संख्याएं हैं? यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से हम लिखेंगे, 5/11। तो ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 120 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ये दिया गया है, ये अपना सॉल्व करना है। 2 × 1/3 − 1 × 2/3, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन से फिर एलसीएम निकाल के इसका आंसर निकाल देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूने 6 और 1 ऊपर ऐड कर दिया, 7 बन गया। 7/3 − 3 × 3, 3 × 2, सॉरी 3 ऐड कर दिया तो 5/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया, अगर नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर की भी सेम रहती है, तो 7 में से 5 चले गए, कितना बचता है, 2 बचता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, 2/3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन थे और आगे के 15 क्वेश्चन इस पार्ट में। बाकी हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन, टीसीटी कमीशन, सभी में क्लासेस रहती हैं। जेबीटी के अच्छे बैच हमारे चलते हैं। यहाँ पर आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरे हिमाचल में सबसे मिनिमम चार्जेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और अच्छी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।